चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से, अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में, एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। जिसने एक भी देह को धारण नहीं किया, जिसमें यह सामर्थ्य ही नहीं कि देह के परमाणु को ग्रहण करे, जिसमें यह सामर्थ्य ही नहीं कि एक भी परमाणु की स्पर्शना करे, ऐसा जो चैतन्य परमात्म तत्व, यही मैं हूं। अनंत परमाणुओं का मिलन हो, अनंत परमाणुओं का बिछुड़ना हो, मिलना और बिछुड़ना भले ही होता हो, मगर अनंत गुणाधिपति जो एक चैतन्य सत्ता, इस चैतन्य सत्ता में न कोई मिलन की घड़ी आती है, न कोई विरह की घड़ी। भले ही प्रदेशों में संकोच विस्तार होता हो, फिर भी संकोच विस्तार में चैतन्य की ध्रुवता और एकता अखंडित कायम रहती है। ये एक ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये स्वरूप में एक समय के लिए भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसा त्रिकाल अपरिवर्तित ज्ञायक देव, यही मैं हूं। लोक में रहकर भी मैं लोक में नहीं रहता हूं, आकाश में वास करता होने पर भी मैं आकाश में वास नहीं करता, क्योंकि सुविधा ही नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में वास करे, ये संभावना ही नहीं कि एक द्रव्य को अपनी सत्ता के अस्तित्व के टिकने के लिए
किसी और पराये द्रव्य की गुलामी करनी पड़े। जिस आकाश में रहकर भी, जिस देह में रहकर भी जो आकाश और देह का गुलाम न हुआ, जो प्रति समय उत्पन्न होने वाले विकल्पों की तरंगों में भी एक समय के लिए भी मिला नहीं, जो विकल्पों का गुलाम न हुआ, उसका प्रमाण यह है कि एक समय के लिए ध्रुव स्वरूप को छोड़कर आकुलता रूप न हुआ। ध्रुव द्रव्य तो अत्यंत दूर, जो ज्ञान का एक समय का जानने रूप कार्य है, उस जानने रूप कार्य में भी विकार का प्रवेश न हुआ। ऐसी जो निर्मल सहज परिणति, उस निर्मल परिणति से भी जिसकी स्पर्शना न होती, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव निर्मल परिणति से भी जो अस्पर्शी रहता है, निर्मल परिणति के उत्पाद और व्यय में ध्रुव ज्ञायक देव अलिप्त रहता है। भावलिंगी मुनिराज की ऐसी दशा है भगवान। भावलिंगी मुनि छठे सातवें गुणस्थान में हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होने वाले, सकल चारित्र रूप वितराग परिणति जिन्हें प्रकट हुई है। एक कषाय चौकड़ी के उदय से राग और द्वेष के भाव अभी पर्याय में है। दोनों पर्याय अलग अलग नहीं है, एक ही समय में ये दो अवस्था, अवस्था एक है मगर उस अवस्था में ही ये रूप दो है। मुनिराज वितरागी भी है और मुनिराज रागी भी है। तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव वितराग परिणति प्रकट हुई, और एक कषाय चौकड़ी का उदय है कि राग का विकल्प है। राग और वितरागता ये परस्पर विरोधी है। एक ही आत्मा में, एक ही समय में, एक समय की एक पर्याय में, क्योंकि चारित्र गुण का ही परिणमन है। जो वितरागता है वह भी चारित्र गुण का परिणमन है और राग द्वेष भी चारित्र गुण का परिणमन है। वितरागता और राग द्वेष दोनों एक समय में एक साथ रहकर भी एक दूसरे से कोई हस्तक्षेप करने नहीं चाहते। वितरागता राग का विरोध नहीं करती, राग वितरागता का विरोध नहीं करता। वितरागता और राग ये दोनों अपने अपने में रहते हैं। वितरागता और राग दोनों अपने अपने में रहते हैं जब दोनों के बीच में विरोध नहीं, न राग और वितराग इन दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं, तो जो ज्ञान की पर्याय जिसमें ये दोनों प्रतिबिंबित तो होते हैं, जिस ज्ञान का स्वभाव ही अविरोधी निर्विरोधी, किसी भी प्रकार का कोई विरोध न करना, ये ज्ञान का स्वभाव है। तो मुनिराज को छठे सातवें गुणस्थान में झूलते समय, छठे गुणस्थान की अवस्था में राग का विकल्प भी है और वितराग परिणति भी है। शास्त्र लिखने का विकल्प आता है उस समय अंतर में, ऐसी सहज सहज वितराग परिणति, वितराग परिणति की धारा बहती है। राग का विकल्प होता है, विकल्प के काल में वितराग परिणति, जिस वितराग परिणति को तो विकल्प ही नहीं, वह धारा अंतर में चलती है, उसी समय है। जिस समय यह राग का विकल्प है उसी समय वितराग धारा चलती है, और दोनों को जानते हैं, इसलिए तो ज्ञानी अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य पर्याय की अवस्था को भी जानते हैं। इसलिए तो वे कहते हैं
कि वर्तमान पर्याय में जो वितरागता और राग द्वेष के जो भाव है वो ज्ञान में जानने में आते, इसलिए तो अमृतचंद्र आचार्य ये कहते हैं कि मेरी जो परिणति है वर्तमान में मोह के उदय से मलिन हुई है। मलिन परिणति को वे जानते तो हैं, परिणति की मलिनता को जानते हैं, मगर भीतर में जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से वितरागता प्रकट हुई वह भी उनके ज्ञान में जानने में आती है। और दोनों को वे ऐसे ही सहज जानते हैं, ऐसी जो स्थिति, ये ऐसी जो स्थिति की वो जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है वह ज्ञान की अवस्था मुनिराज की, वह ज्ञान की अवस्था विरोध नहीं करती राग द्वेष को और वितरागता को, दोनों का विरोध करने नहीं जाती और सहज जानती है। जब ज्ञान की अवस्था विरोध करने नहीं जाती तो जो ध्रुव ज्ञायक देव जो राग द्वेष और वितरागता को जानने भी नहीं आता है, एक समय के जानने रूप परिणमन में ही जो नहीं आता है वो राग द्वेष का विरोध कैसे करे भगवान। ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव जो राग द्वेष का विरोध ही नहीं, जो वितरागता का विरोध ही नहीं, जो ज्ञान की पर्याय में सिकुड़ता नहीं, ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव भगवान आत्मा यही मैं हूं भगवान, ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक देव एक समय के लिए हीन मत मानना, पर्याय से महान परमात्मा है, परिणमन से महान यह प्रभु है। एक समय की जो केवल ज्ञान की पर्याय महावीर भगवान की, महावीर भगवान की दूसरे समय की तीसरे समय की ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, मगर अनंत केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट किसके आश्रय से हुई कि निज भगवान आत्मा के आश्रय से। तो महावीर भगवान की केवल ज्ञान की अनंत पर्याय और महावीर भगवान का अनंत पर्यायों का लक्ष्य नहीं, महावीर भगवान का लक्ष्य है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पर। तो महान कौन हुआ, महान कौन, महावीर भगवान का द्रव्य या महावीर भगवान की केवल ज्ञान की अनंत पर्याय। महावीर भगवान का जो द्रव्य है ये द्रव्य महान, क्योंकि लक्ष्य द्रव्य की ओर है, स्थिरता उस द्रव्य में है, अनंत केवल ज्ञान की पर्यायों में स्थिरता नहीं है। कैसा अहोभाव आता है, अरे भगवान आत्मा ये केवल ज्ञान की अनंत पर्यायों से भी महान महावीर भगवान का जो त्रिकाल ध्रुव परमात्मा। मगर ऐसे महावीर भगवान का त्रिकाल ध्रुव परमात्मा, आदिनाथ भगवान की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय और उससे भी महान त्रिकाल ध्रुव परमात्मा, ऐसे ही अनंत सिद्ध परमात्मा की, अनंत सिद्ध परमात्मा की केवल ज्ञान की पर्याय और अनंत सिद्ध परमात्मा की केवल ज्ञान की पर्याय, ये महान नहीं, अनंत सिद्ध भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय से भी महान वो त्रिकाल ध्रुव परमात्मा, मगर वह भी पराया परमात्मा हुआ। अनंत सिद्ध परमात्माओं का जो द्रव्य है जो त्रिकाल, महावीर भगवान का द्रव्य त्रिकाल टिककर रहने वाला, आदिनाथ भगवान का द्रव्य तीनों काल में टिककर रहने वाला वो है ना, क्योंकि जिसके आश्रय से उन्हें मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई। मगर ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा जो त्रिकाल है वो त्रिकाल प्रभु है, पर्याय की तो बात ही नहीं, वो जो त्रिकाल प्रभु अनंत सिद्ध परमात्मा जो तीनों काल में टिककर रहने वाले, ऐसे जो द्रव्य, ऐसा जो द्रव्य, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्माओं का द्रव्य, उस अनंत सिद्ध परमात्माओं के द्रव्य से भी महान मैं ज्ञायक देव हूं, क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध भगवान का त्रिकाल द्रव्य उनके लक्ष्य से विकल्प होता है भगवान, उनके लक्ष्य से उपयोग पर में भटका है भगवान। और ऐसा जो ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा हो 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 हो,
ये न्यायक देव फिर अंदर में ऐसा अहोभाव कि तुम क्या कहो भगवान आत्मा, ये निज न्यायक देव से महान हो अनंत सिद्ध परमात्माओं की ओर लक्ष्य गया, विकल्प हुआ, कीचड़ में गिरा, पर का लक्ष्य हुआ, सुख बुद्धि हो कैसे, अहोभाव आए कैसे, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा के प्रति भी अहोभाव नहीं आता। हे ज्ञान दीपक, ऐसे चैतन्य परमात्मा तत्व की महिमा, नीच परमात्मा की महिमा की इस जगत में नीच चैतन्य परमात्मा से महान और कुछ भी नहीं है। यहां तो वितरागी परमात्मा की भक्ति करने का भाव आया, अनंत सिद्ध परमात्माओं की भक्ति करने का भाव आया, द्रव्य की भक्ति का तो भाव आता नहीं, क्योंकि द्रव्य में कुछ अलग नहीं। जैसा द्रव्य मेरा त्रिकाल शुद्ध, ऐसा ही वहां त्रिकाल शुद्ध। झुकने का भाव तो वहां आए कि जो यहां नहीं है और वहां है, जो यहां नहीं है और वहां है, इसलिए यहां वितरागता नहीं है, वहां वितरागता है, तो झुकने का भाव आया। मुनिराज को भी झुकने का भाव आता है कि पूर्ण वितरागता अभी प्रकट नहीं हुई, वहां पूर्ण वितरागता प्रकट हुई है, तो मुनिराज को भी देव दर्शन करने का भाव तो आता है, मुनिराज को भी भगवान की भक्ति करने का भाव तो आता है, वरना भक्तामर स्तोत्र क्यों लिखते। वितरागी भगवान की भक्ति का भाव आता है। हे ज्ञान दीपक, ये जो भक्ति का भाव आता है, फिर भी महिमा ज्ञायक देव की वह धारा भीतर में चलती रहती है, तुम्हें ये धारा निरंतर चलती रहे। फिर जहां अनंत सिद्ध परमात्माओं के अनंत त्रिकाल द्रव्य में भी अहोभाव नहीं आया, मैं तो प्रभु का प्रभु हूं, केवल ज्ञान की पर्याय की प्रभुता, वो पर्याय का प्रभु भी भगवान का द्रव्य, और वो उस द्रव्य से भी महान, में निज द्रव्य में निज भगवान आत्मा, ऐसा अहोभाव, तब फिर तुम शरीर के परमाणु को कैसे उपादेय मानो कि यह परमाणु मैं हूं भगवान। ये शरीर के परमाणुओं में कैसे यह मानना हो कि ये जो दर्पण में दिखने वाली चमड़ी, ये चमड़ी मैं हूं। ये परमाणुओं का जो एक साथ में वर्तमान में एक पिंड के रूप में हुआ, ये परमाणुओं का पिंड के रूप में होना हुआ और बिखरना हुआ, ये पिंड का होना ये मैं, और पिंड बिखर गया कि मैं बिखर गया, मैं कैसे मानू ऐसा भगवान। लड्डू है सामने, और लड्डू में से वहां पर रेत के लड्डू होते, पानी सूख गया कि लड्डू बिखर गया, पानी सूखते ही जब लड्डू बिखर जाता है, मैं कैसे मान लू कि मेरी सत्ता नष्ट हो गई। वो रेत के लड्डू के बिखरने से जैसे मैं ये नहीं देखता कि मैं मर गया। जहां ध्रुव ज्ञायक देव की ओर लक्ष्य है, जिसकी दृष्टि में ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वो इन परमाणुओं के बिखरने से, ये लड्डू के बिखरने से, ये मिट्टी के बिखरने से, यह नहीं मानता कि मैं बिखरा, क्योंकि जिसने जानने रूप परिणमन में भी उस ध्रुव सत्ता को बहता नहीं देखा, जिसने ज्ञान के प्रवाह में भी ध्रुवता को बहता नहीं देखा, जिसने पर्याय के उत्पाद व्यय में भी ध्रुव को ध्रुव स्वरूप ही देखा, वह देह के परमाणुओं के बैर बिखेर होने में वह कैसे माने, कैसे माने कि यह परमाणु मैं हूं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, देह है ही नहीं, किस देह की तुम बात करते हो। एक समय तुम्हारी वह दशा प्रकट होगी भगवान कि त्रिकाल ध्रुव ऐसा सिद्ध परमात्मा प्रभु का प्रभु मैं हूं, ऐसा अंतर में अहोभाव प्रभु का प्रभु मैं हूं, फिर किसको तुम पूजने जाओ। अभी तो इतनी गाढ़ 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 निद्रा में तुम सो रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करते हैं,
ये न्यायक देव से महान भक्ति करने योग्य और कोई नहीं, एकमात्र न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। स्वर्ग के देव भी जिस मनुष्य भव को पाने के लिए तरसते हैं, स्वर्ग के देव भी चाहते हैं कि एक समय के लिए भी मनुष्य भव हमें मिल जाए। मगर ये मनुष्य की मूर्खता है, ये मनुष्य की मूर्खता कि स्वर्ग के देव को देखकर के लगता है कि ये स्वर्ग का देव मैं कब होऊंगा। ये मूर्खता है, ये मूढ़ता है, ये रुचि न होती तो इतना अहोभाव से लिखने की जरूरत नहीं थी कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई और वह स्वर्गवासी हो गया, देवलोक पधारे। ये रुचि है, कहीं ना कहीं देव के भव की रुचि है, ये देव के भव की रुचि है। मनुष्य भव की प्राप्ति हुई मगर रुचि है देव के भव की। मूर्खता और मूढ़ता की सीमा ही नहीं, पुरुष की पर्याय मिली, स्त्री की पर्याय मिली, मगर जैसे ही तुमने देखा रास्ते पर, यदि गाड़ी से तुम यात्रा करते हो, किसी नपुंसक को देखो, कहते हैं ने ये हिजड़े है, ये छक्के है, ये नपुंसक है, गाड़ी के बीच में आ जाए, तुम्हें रुपये देने पड़ते हैं, तुम हाथ जोड़ते हो, तुम ये मानते हो कि इनको यदि कुछ देंगे तो कुछ हमें लाभ होगा। और खास करके जो गाड़ियां कोई अच्छे काम के लिए जाती है, गाड़ी के ऊपर फूलों से यदि गाड़ी को सजाया हो उनको तो पहले रोकते हैं। और मूढ़ों की कमी नहीं, पुरुष की पर्याय प्राप्त हुई और नपुंसक की पूजा करने बैठ गए। मूढ़ता की हद नहीं, इससे भी। और मैंने थोड़े दिन पहले ही रास्ते से गुजरते हुए एक दृश्य देखा था, वो मुझे स्मरण में आया। थोड़े ही दिन पहले पूर्णिमा का दिन था, वट वृक्ष की पूजा करती हुई महिलाओं को मैंने देखा। वट का पेड़ है, वडलानु झाड़, प्रदक्षिणा देती हुई धागा बांधती जाती है, बांधती जाती है, मंत्र जाप करती है, तुलसी पर पानी पिला करके तुलसी की पूजा करती है, वट की पूजा, तुलसी की पूजा, नारियली की पूजा। कभी मूढ़ता के बारे में सोचा कि मैं पंचेंद्रिय मनुष्य होकर के एकेंद्री की पूजा करने लगा? और यहां तो ये कहते हैं कि पंचेंद्रिय भी नहीं, तुम तो अनंत प्रभु जो सिद्ध शिला पर विराजमान, वह प्रभु का प्रभु मैं हूं, मैं किस एकेंद्री की पूजा करता हूं? मगर मूढ़ता है। ये मूढ़ता का एक ही कारण है, क्योंकि जीवन को असुरक्षा में देखा है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई पराया उपयोग में आएगा। जिसका ध्येय, जिसका लक्ष्य एकमात्र चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति है, वह ऐसे कीचड़ में नहीं गिरेगा। इसलिए अज्ञानियों की मूर्खता देखो, शादी के फेरे में भी किसको साक्षी माना? लड़की का बाप है, मां बाप है, लड़के का मां बाप है, उनकी साक्षी ये मान्य नहीं, अग्नि की साक्षी। पंचेंद्री, पंचेंद्री की शादी हो रही है और एकेंद्री को साक्षी रखा, ये मूढ़ता है। पत्थर की पूजा, जल की पूजा, पावन गंगा नदी बहती है, गंगा मैया की पूजा करता हूं, जल की पूजा, पत्थर की पूजा, अग्नि की पूजा, एकेंद्रियों की पूजा, और मैं हूं अतीन्द्रिय। ये मनुष्य जन्म मिला है, यदि तुम थोड़ा भी विचार करो और लक्ष्य का निर्णय करो तो तुम्हें समझ में आएगा। दृष्टि में ये देखना कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है,
मगर आचरण में भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना। भले ही तुम्हें पता है कि शौचालय में जाकर तुम बाहर आते हो, शौचालय में तुमने अपने हाथ जो मलिन हुए हाथ को धोया, फिर तुमने बाहर आकर के वॉश बेसिन में तुमने हाथ को धोया, अंदर जब हाथ धोकर के आए थे तो बाहर आकर हाथ धोने की क्या जरूरत थी कि अच्छे पानी से बाहर धोया। बाहर का पानी अच्छा नहीं है, वह तो वही पानी है, ऊपर टंकी तो एक है, एक ही टंकी में से दोनों जगह पानी गया, मगर फिर भी एक पानी को अशुद्ध और दूसरे पानी को शुद्ध का। समानता है, मगर समानता स्वभाव की दृष्टि से है कि अंदर जो पानी है बाहर जो पानी है, दोनों पानी का स्वभाव शीतलता है। स्वभाव की दृष्टि से दोनों को एक समान देखना, मगर व्यवहार दोनों के साथ एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। स्वभाव की दृष्टि से पंचेंद्रिय या एकेंद्री या अतीन्द्रिय सभी को समान देखना, मगर लक्ष्य का निर्णय होगा तो ये मस्तक वहां न झुकेगा जहां राग की रंग लीलाएं होती है। ये मस्तक झुकता है वितरागी के प्रति और वितरागता ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उस समय भी अहोभाव दृष्टि में रहता है ज्ञायक देव के प्रति, यह ज्ञायक देव मैं हूं। मनुष्य जन्म में यहां ज्ञान का इतना विकास हुआ, मगर उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सके। हे ज्ञान दीपक, ये जो वर्तमान में ये पल, एक एक पल, ये तुम्हें पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा ने, मैं एक एक सेकंड को देखता था कि और थोड़ा सत्संग हो जाए, लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी कि और थोड़ा सत्संग हो जाए। अधूरा रह गया। ऐसा न हो कि ये आयुष्य का उदय भी प्रति समय डिस्चार्ज हो रहा है और मन की मन में रह जाए और तड़पते तड़पते यहां से जाना पड़े। उससे पहले ही तुम ये जो उपयोग पर में रुचि लेते हुए जो भटक रहा है, अहो भाव से भरो, निज न्यायक देव से महान और कुछ भी नहीं, निर्विकल्प, निज न्यायक देव से महान और कुछ भी नहीं। अहो भाव श्रद्धा में होगा, इतना अहो भाव होगा कि अब जगत की वस्तु पर द्वेष नहीं होगा, ये भौतिक पदार्थों पर द्वेष नहीं होगा, देह पर द्वेष नहीं होगा, सिर्फ परमाणु को तुम जानोगे। बिना किसी विरोध के तुम इन परमाणुओं को जानोगे और भीतर में तुम एक अलिप्त पना, ऐसे अलिप्त पने का एहसास होगा। उसे ही तो एब्सेंस कहा, उसे ही तो अनुपस्थित होना कहा। न आया न गया, ऐसा ये स्वरूप है। न आ सकता है न जा सकता है, ऐसा ये स्वरूप है जो व्यक्त नहीं हो सकता। मैं आने और जाने की बात करता हूं, वो पर्याय में व्यक्त होने की बात करता हूं। न पर्याय में जो व्यक्त होता है, जब व्यक्त ही नहीं होता फिर व्यक्त से अव्यक्त की बात कहां, ये तो त्रिकाल अव्यक्त है। पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, ऐसी निराकुल शांति पर्याय में प्रकट होती है, वह शांति ही शांति है, शांति का विकल्प अशांति है। उस दशा को निर्विकल्प कहा। शांति ही शांति है, शांति का विकल्प अशांति है, और जब शांति का विकल्प भी अशांति है
तो राग द्वेष के विकल्पों की अशांति में शांति कैसे होगी? इसलिए शांत भाव से तुम इसका विचार करना। रात्रि में सोने से पहले तुम यही विचार करना कि जिसमें से ऐसी निराकुल शांति की पर्याय प्रकट होती है। सोने की चेष्टा मत करना, नींद आए तो आ जाने देना। सोने की तैयारी लेकर के भले ही तुम पलंग पर लेटो मगर उस समय तुम ये विचार करना, विचार करते करते यदि तुम्हें नींद आ जाए तो आ जाने देना, भीतर में कार्य चलता रहेगा। क्योंकि बुद्धिपूर्वक तत्व विचार से तुम्हारी ये यात्रा शुरू हो चुकी थी। वही कार्य भीतर में चलता रहेगा। निराकुल शांति जो पर्याय में व्यक्त होती है, वो शक्ति किसकी है? वो शक्ति है ध्रुव में। वो शक्ति संपन्न ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसमें ऐसी शक्ति है कि पर्याय में ऐसी अतीन्द्रिय आनंद रूप शांति व्यक्त हो, फिर भी वह ध्रुव सत्ता स्वरूप टिककर रहता है। ये ध्रुव न्यायक ध्रुव जो एक 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 समय के निराकुल शांति की ऐसी धारा बहती है, मगर ध्रुव में से व्यक्त होती ये पर्याय, ध्रुव में से व्यक्त होती अर्थात वो जो पर्याय में जो शक्ति व्यक्त हुई है, वो शक्ति कहां से आई? वो ध्रुव में शक्ति है, मगर ध्रुव में से खाली नहीं हुई, ध्रुव में से खाली नहीं हुई, पर्याय में व्यक्त हुई है, मगर ध्रुव तो सदा अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा यही रहा। क्योंकि वो पर्याय है ना, वो जो निर्मल शांति की पर्याय है, वो पर में से नहीं आती, वो तो ध्रुव में अनंत शक्ति है, वहां से आई, मगर वहां से आई माने अंदर से निकली ऐसी नहीं है, अंदर से निकली ऐसी नहीं है, अंदर में से निकली हो ऐसी नहीं है, वो हुई अपनी योग्यता से, मगर अंतर में द्रव्य का सामर्थ्य ऐसा है कि पर्याय वर्तमान में ऐसी प्रकट हो, ध्रुव की सत्ता को छुए बिना पर्याय में निराकुल शांति का वेदन होता है। ऐसा है भगवान आत्मा, ऐसा निराकुल शांति का वेदन होता है, और फिर भी ध्रुव 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 प्रति समय ध्रुव 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 की पकड़ नहीं छूटती। ये सम्यक दृष्टि है। वो जो है वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का, ऐसा पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता, अतीन्द्रिय आनंद का सागर, क्योंकि द्रव्य की जो शक्ति है वो पर्याय में व्यक्त हुई है ना, इतना सूक्ष्म भाव है भगवान, मगर तुम्हें होगा क्योंकि तुम भगवान हो ना, भगवान तुम भगवान हो इसलिए तुम्हें ये होगा। ऐसा मैं भगवान आत्मा जो पर्याय में ऐसी निराकुल शांति व्यक्त होने पर भी जिसकी दृष्टि में से न्यायक नहीं छूटा, ऐसा अंतर में अहोभाव आए, ऐसा अहोभाव आए पर्याय में ये अतीन्द्रिय आनंद, हे ज्ञान दीपक, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद ये जो व्यक्त हुआ, कौन अंतर में अभेद कौन हुआ? पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, अपना जो अंश है वो अंश ही द्रव्य में ऐसा अभेद हुआ, पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, उसी जाति की पर्याय, उसी का अंश द्रव्य में अंदर में अभेद हुआ। इसलिए भगवान आत्मा ये त्रिकाल शुद्ध द्रव्य, और राग का जो विकल्प है, ये राग का विकल्प, ये एक समय का विकल्प, एक समय का राग का विकल्प अंतर्मुख नहीं होता, क्योंकि राग का विकल्प है जड़, वो द्रव्य का अंश नहीं,
अर्थात वो चैतन्य का अंश नहीं है, राग का विकल्प तो जड़ है। जो द्रव्य है उस द्रव्य में वही अभेद हो सकता है जो उसका अंश हो। तो ज्ञान की पर्याय जो द्रव्य का अंश है वह ज्ञान की पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, राग और द्वेष के विकल्प। आ, 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 आ। जड़ तो है ही नहीं यहाँ, ऐसा अस्पर्शी दूर से देखता है कि राग और द्वेष का विकल्प तो अंतर्मुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति ही पर के लक्ष्य से हुई हो वो अंतर्मुख हो कैसे। ऐसा जिसका हो पैदा होना ही पर के लक्ष्य से हुआ हो, जो पर के लक्ष्य से ही उत्पन्न हुआ हो वो अंतर्मुख कैसे हो। इसलिए राग का विकल्प कभी अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तुम ये चैतन्य तत्व विचार सुनते हो और सुनते सुनते तुम्हें जो अहोभाव आता है, वो जो राग का भाव आता है, उस राग के भाव को तुम अंदर लेकर जाना चाहते हो, उस राग के भाव को विभाव जान करके, ज्ञान की पर्याय को, ज्ञान के अंश को, द्रव्य का अंश जान करके, उस ज्ञान के अंश को अंतर्मुख कर, राग के विकल्प को अंतर्मुख नहीं कर। इसलिए कहा भगवान आत्मा का राग नहीं, भगवान आत्मा का लक्ष्य होता है तब तो वितरागता होती है। राग तो पर के लक्ष्य से हुआ, पर के लक्ष्य से हुआ, पर के लक्ष्य से जो मलिनता पैदा हुई वो मलिनता वहीं पर है, उसको लेकर के अंदर नहीं आना। ऐसा जो तुम्हारे साथ में है वही अंदर आए, जो बाहर का है वो बाहर रह जाए। इसलिए कहा जूते चप्पल बाहर निकाल दीजिए, इसलिए कहा कि पैर को भी धो लीजिए, मंदिर में प्रवेश करते हैं कि जो धूल वगैरह है उसको लेकर के अंदर नहीं जाते, वो बाहर की धूल बाहर रह जाए, जो नहीं रह सकता बाहर वो अंदर आए, वो शरीर अंदर गया। जो ज्ञान का जानना है वह तो अंतर्मुख होता है, और विकार का भाव, ये विकार का मैल, विकार की धूल ये बाहर रह जाती है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में भले आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान की भक्ति का भाव आत्मा में उत्पन्न होता होने पर भी उन भाव वहां से बाहर से ही हो, बाहर से ही, ऐसा अंतर नहीं, बाहर से ही काम हो गया। ये बाहर से ही, घर में कोई वस्तु देने के लिए आए, तुम्हें कोई पार्सल देने के लिए आए, कोरोना का समय है, उस व्यक्ति को अंदर बिठाओ, थोड़ा चाय पानी पिलाओ, नहीं, दरवाजे से ही, वहीं से ही उसको वस्तु ले ली और उसको वहीं पर ही साफ कर दिया, उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया कि जहां पर ऐसी संभावना है सब बाहर, मलिनता बीमारी सब बाहर, अंदर तो स्वस्थ पर्याय स्वस्थ द्रव्य से अभेद होती है। ऐसा ये भगवान आत्मा स्वस्थ पर्याय हे ज्ञान दीप, प्रति समय ये जागृति तो स्वयं को ऐसा स्वस्थ रूप जब देखता है तब परमात्मा को तो स्वस्थ रूप जानता है। उससे पहले तूने जाना ही नहीं है, उससे पहले महावीर भगवान की जय बुलाई नहीं, पुकारी ही नहीं। सबसे पहले तू अपने को निर्मल कर, फिर तू दूसरे को, और ये कला तुम जानते हो। भगवान को स्नान कराते हो ना, भगवान को स्नान कराते समय तुम भगवान को क्या करते हो कि स्नान कराते समय अभिषेक तो करते हो, मगर अभिषेक भगवान को कराने से पहले तुम अपने को, खुद को स्नान कराते हो। घर में रह करके खुद ना करके फिर मंदिर में गए और मंदिर जाकर के भगवान को नहलाया है, खुद नहाओ पहले और बाद में भगवान को, खुद पहचानो कि मैं निर्मल हूं और फिर ये कि भगवान निर्मल है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार होगा कैसे। यहां भीतर में अंतर्मुख दृष्टि गई, निश्चय प्रकट हुआ कि वहां व्यवहार हुआ, और ये दशा तुम्हें प्रकट हो सकती है भगवान। ये प्रयोग, ये आज अभी जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये प्रयोग है, इसे बार बार सुनना,
रात्रि में सोने से पहले जो मैंने तुमसे कहा वह प्रयोग करना कि शांत, कोई विकल्प नहीं, न मैं घर में हूं, न मैं दुकान में हूं, न मैं परिवार के संग हूं, न मैं वनवासी हूं, कोई विकल्प नहीं, जो निराकुलता है, जहां अगले समय का विकल्प नहीं, क्या होगा, कोई विकल्प नहीं, ऐसी जो अवस्था, ऐसी जो निराकुलता, वो निराकुलता जिसके आश्रय से प्रकट होती है, यह ज्ञायक देव मैं हूं। ऐसी जो निराकुलता प्रकट होती है, मगर उस निराकुलता में जो व्यक्त नहीं हो जाता, ऐसा अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ ये मत समझना कि जो दृष्टि में नहीं आता, अव्यक्त का अर्थ है कि पर्याय में उसका वेदन नहीं होता, अव्यक्त का अर्थ है कि वह पर्याय रूप परिणमित तो होकर के पर्याय में व्यक्त नहीं होता। जैसे पर्याय में वो आनंद उछलता है, ऐसे ही ध्रुव उछलता नहीं है, ध्रुव अंतर की गहराई में है। अव्यक्त का अर्थ यह नहीं कि वो दृष्टि में नहीं आ सकता, उसकी स्पर्शना नहीं हो सकती, स्पर्शना तो हो सकती है। सागर की तरंग उछलती है वो व्यक्त है, और शांत सागर अव्यक्त है, शांत सागर अव्यक्त है, उसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उसकी स्पर्शना नहीं कर सकते। जो व्यक्त है, जो तुम्हें वेदन में आता है, जो तुम्हें अनुभव में आता है, इसलिए ये पर्याय को व्यक्त कहा और द्रव्य अव्यक्त। अव्यक्त कहते ही त्रिकाल ध्रुवता को बताना चाहते हैं, मैं अव्यक्त हूं, मैं त्रिकाल ध्रुव हूं। इसलिए पर्याय में व्यक्त होता है आनंद, पर्याय में ऐसे एक समय में यह दोनों का प्रतिबिंब, पर्याय में निराकुलता रूप आनंद जो व्यक्त होता है वह ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव वह भी पर्याय में व्यक्त हुआ। एक समय में दोनों हो, क्योंकि यह दोनों सर्वथा भिन्न नहीं है। जैसे स्वयं को ज्ञायक देव की ओर उपयोग हो कि देह की ओर उपयोग नहीं जाता, जैसे मुनिराज को शुद्धोपयोग है तो शुभोपयोग नहीं, शुभोपयोग है तो शुद्धोपयोग नहीं। मगर शुद्धोपयोग का अर्थ यह नहीं है कि उपयोग त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की ओर है, उपयोग है द्रव्य की ओर, इसलिए तो ज्ञान में जानने में आता है वह निराकुल आनंद भी, वरना कैसे पता चला कि अभी मैंने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अतीन्द्रिय आनंद के प्रचुर स्वसंवेदन को वहां अनुभव किया। वह कैसे लिखते, वो ज्ञान में उसी समय जानने में आया, इसलिए जिस समय त्रिकाल ध्रुव सत्ता उसी समय पर्याय में प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद, एक एक करके जानना नहीं पड़ता, वो पूरी वस्तु ही एक समय में, अलग अलग करके नहीं, गुड़ आया कि मिठास आई, पहले गुड़ को जीभ पर रखो बाद में मिठास को, ऐसा नहीं, जिस समय उठाकर लाया तब बस वही गुड़ वही मिठास वहीं पर, सिर्फ लक्षण जान लिया कि मिठास अवस्था है और गुड़ द्रव्य है। उसी समय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ भगवान आत्मा, और जो आनंद का वेदन हुआ ये पर्याय के रूप में जाना, और ध्रुव की और दृष्टि रही, एकत्व रहा ध्रुव में, ऐसा निर्विकल्प आनंद निर्विकल्प ध्यान के काल में प्रकट होता है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी ये गहरी चैतन्य की निर्विकल्प अनुभूति, इसे मैं चर्चा में कैसे कहूं तुम्हें, कैसे करूं मैं इसकी चर्चा तुम्हारे सामने, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं, ये जो वर्तमान के अभी जो सत्संग हो रहे हैं, और पता नहीं भविष्य में कब होंगे, होंगे तो कितने होंगे,
सिर्फ मेरा तुमसे यह कहना है कि यदि तुमने अपने विकल्पों को, राग को, अपने कीचड़ को एक और रखा और एक ही लक्ष्य रखा, क्योंकि मेरी तो यही भावना है कि तुम्हारा राग मर जाए और तुम निराकुल शांति को अनुभव करो। थोड़ी मेरी भाषा तुम्हें कठोर लगेगी, तुम्हें लगेगा कि मैं निर्दयी हूं, मैं तुम्हारी भक्ति का अपमान करता हूं, मैं कहता हूं कि तुम्हारी भक्ति एक कीचड़ है, तुम्हें थोड़ा झटका लगे, मगर मेरा भाव तुम्हारे प्रति ऐसा है कि उस प्रचुर स्वसंवेदन अनुभव व निराकुल शांति से तुम वंचित न रह जाओ। हे ज्ञान दीपक, अकर्ता भाव तब प्रकट होता है, क्योंकि निराकुलता रूप शांति जहां व्यक्त हुई, उस निराकुलता रूप शांति में भगवान लाया तो है ही नहीं, कहां से खींच करके निकाला, कुछ भी नहीं, व्यक्त हुई, इसलिए व्यक्त किया नहीं, व्यक्त हुई, अकर्ता भाव प्रकट हुआ। फिर वो कर्ता कैसे माने कि ये शांति को मैंने लाया? समझ पूरी तरह से है, बेहोश नहीं, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन डाल दिया हो, लगा दिया हो, और पता नहीं कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं, ऐसा नहीं है, रहता है, खुली आंख है, इंद्रिया खुली है, मगर खुली इंद्रियों के में भी वो इस रहस्य से, अंतर से पूरी तरह से जागृत है कि अनंत काल तक क्या होगा उसकी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैंने जो अनंत काल तक टिकने वाली सत्ता का दर्शन किया, उस सत्ता में तो कुछ होता नहीं, अनंत काल तक क्या होगा, वो कर्तृत्व उतर जाता है, कुछ करने का भाव ही मिट जाता है, वह छिपकली की भ्रांति टूट जाती है, छूट जाती है कि मैं छत को टिका करके रखती हूं। छिपकली को शादी के लिए आमंत्रण आया, नहीं जाती है, और वह भी राजमहल की छिपकली है, कहती है मैं नहीं आ सकूंगी शादी में, यदि मैं शादी में आई तो यह छत नीचे गिर जाएगी। ये ऐसी ही बात है जैसे वो बुढ़िया कहती थी ना, मेरे मुर्गे इस गांव में बांग पुकारते हैं, इस वजह से ही सूरज उगता है, तुम पाओगे अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में व्यक्त हुआ, मगर ध्रुव की ओर दृष्टि होने से मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से तुम उसके दृष्टा रह सकते हो, इसी वजह से तुम उसे पचा सकते हो। इसी वजह से तुमने नींव डाली, अनंत काल तक यह आनंद टिकेगा उसकी, अनंत काल तक ये निराकुलता टिकेगी उसकी, तुमने नींव डाली, उसे भी सहज रूप से तुम जानते रहे, न राग न द्वेष, उसे भी सहज रूप से निराकुलता रूप शांति को भी जानते रहे, वो धारा चलती रही, ज्ञान की धारा चलती रही, इसलिए तो ज्ञान राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती है, राग द्वेष करे कैसे, संतुलन बना रहता है, न राग की ओर जाता है न द्वेष की ओर जाता है, क्योंकि प्रति समय प्रवाह बहता है, वह राग की ओर जाए कैसे, वह द्वेष की ओर जाए कैसे, वह तो प्रवाह है ज्ञान का,
वह जानना जानना प्रवाह है, वह कैसे मुड़े राग की ओर द्वेष की ओर। इसलिए राग द्वेष होते तो है, मगर ज्ञान के प्रवाह को बहता देखकर ज्ञानी उसकी ओर मुड़ता नहीं देखता, मुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये यात्रा तो एक साइकिल की भांति है। साइकिल को चलते देखते हो, साइकिल में चलते समय जो संतुलन है, वो संतुलन का मूल कारण है वह गति है। यदि साइकिल रुक जाए तो एक और गिर जाए। वो साइकिल की जो यात्रा है वही तो संतुलन का मूल कारण है। यह जानना 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 यह प्रवाह है कि वह प्रवाह होने से वह ज्ञान न राग न द्वेष दो में से किसी भी दिशा में वह ऐसा यह प्रवाह, यह सहज प्रवाह जिसको तुम डोलता हुआ नहीं देखते, ऐसा निराकुल ये ज्ञान का प्रवाह है भगवान। ये संतुलन है और इसके लिए आज तक कुछ भी नहीं करना पड़ा, अनादि काल से आज तक कुछ भी नहीं करना पड़ा। निगोदिया हो या फिर हम पंचेंद्रिय हो, ये ज्ञान का प्रवाह ऐसे ही बहता रहा, ये धारा ऐसे ही बहती रही। अनंत 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 मिथ्यात्व के काल में भी ये धारा बिखरी नहीं, ये धारा मिटी नहीं, इस धारा ने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। और ये धारा कोई रोड पर चलने वाली गाड़ी जैसी नहीं, ये साइकिल जिसे रोड पर रास्ते पर चलती हो ऐसी ये धारा नहीं, ये धारा है अपने स्वचतुष्टय में बहती हुई। ये धारा है अपनी सत्ता में ज्ञान जानना जानना में बहती यह धारा है। और जैसे ही तुम्हें यह धारा की ऐसी अनुभूति हुई कि अरे ये धारा ऐसा ये प्रवाह एक सेकंड के असंख्यात वे भाग में जो परिणमित होता हो, साइकिल की गति तो कुछ भी नहीं। गाड़ी की गति तो कुछ भी नहीं, विमान की गति तो कुछ भी नहीं, ये ज्ञान का प्रवाह जो कहीं पर भी रुचि लेने से पहले ही आगे चला जाता है। इसलिए तो किसी भी विकल्प के साथ में रहते समय ज्ञान सहज रह लेता है। निरंतर यह जानना 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 सहजता है, क्योंकि चिपकना नहीं है, इसलिए रह सकता है। एक समय में जानना और विकार ये एक साथ में क्यों रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, रह सकते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का एक अद्भुत वचन है, पुरुष किसी भी स्त्री के साथ में रह सकता है, पुरुष किसी भी औरत के साथ रह सकता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि पुरुष उस स्त्री के प्रेम में न पड़े, फिर वह रह सकता है, फिर उस स्त्री के साथ में रहने में कोई विवाद न होगा, कोई झंझट न होगी, क्योंकि प्रेम से ही तो फिर नफरत होती है। बिना प्रेम का यदि पुरुष औरत के साथ में रहे, किसी भी औरत के साथ रह सकता है। और ये ज्ञान ऐसा ही है, बिना प्रेम का राग और द्वेष के साथ रहता है। इसलिए तो अनंत काल से ज्ञान का जानना जानना चलता रहा और विकार विकार के स्थान पर ज्ञान ने रुचि न ली, जिसके स्वभाव में ही ऐसा नहीं कि ज्ञान विकार में रुचि ले। भगवान हे ज्ञान दीपक, जब तुम्हें ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होगी तुम पाओगे, तुम ऐसे अपूर्व चमत्कार को अनुभव करोगे जैसे कोई बरसों से अंधा था और अंधे को जैसे आंख आ गई, तुम अनुभव करोगे जैसे कोई बरसों से बहरा था और बहरे को कान मिल गए कि अरे ये क्या, मुझे तो अब सब सुनाई देता है। ये ऐसा ही होगा जैसे कोई मुर्दा लेटा था और मुर्दे में जान आ गई, इसे मुर्दे में प्राण की प्रतिष्ठा हो गई,
तुम ऐसा ही अनुभव करोगे जिस समय तुम्हें ये ज्ञान 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 का स्वरूप भगवान अंतर से अनुभव में आएगा। ये दशा तुम्हें प्रकट होगी, हे ज्ञान दीपक, ये दशा तुम्हें प्रकट होगी। एक समय के लिए भी तुम निराश मत होना, आज का दिन 28 मूलगुण का दिन है भगवान, 28 मूलगुण का दिन है, 28 मूलगुण का दिन है। छठे गुण स्थान में 28 मूलगुण को पालन करने का विकल्प आता है। छठे गुण स्थान स्वरूप भी मैं नहीं, छठा गुण स्थान स्वरूप भी मैं नहीं, और 28 मूलगुण को पालन करने का विकल्प भी मैं नहीं, दोनों मैं नहीं, क्योंकि दोनों विभाव है। छठा गुणस्थान प्रमत्त वीरत्व गुणस्थान तो विकारी पर्याय है, और 28 मूलगुण को पालन करने का विकल्प यह भी विकार है। ऐसा हो 28 मूलगुण को पालन करने का विकल्प वो जो द्रव्य लिंग है। ओहो, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं ज्ञानी की यह भावना नहीं हो कि कब मैं 28 मूलगुण का पालन करूं, भावना तो यह है कि ज्ञायक देव में स्थिरता हो। बस शुभ भाव की क्या कोई भावना भाई जाती है? राग की आग में जलने की कोई भावना भाई जाती है? ये तो कोई कर्म के उदय से वो कीचड़ उत्पन्न होगा। 28 मूलगुण को पालन करने के राग के भाव को कीचड़ कहा, इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि हमारे शत्रु को भी द्रव्य लिंग न हो। द्रव्य लिंग पालन करने का विकल्प यह तो पाप का उदय है। और हे ज्ञान दीपक, मैं ज्ञायक देव हूं, ये पुकार जो तुमने सुनी ये महापुण्य का उदय है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, विरोधाभासी लगेगा, मगर है नहीं। बहुत सूक्ष्म भाव है कि 28 मूलगुण पालन करने का विकल्प ये पाप का उदय है, क्योंकि विकल्प है ना, राग है ना, मोह का उदय है ना। मोह का उदय तो पुण्य का कैसे होगा, वो तो पाप की प्रकृति है, घाती कर्म है ना। और अघाती कर्म में पुण्य प्रकृति होती है, घाती में होती ही नहीं। 28 मूलगुण का पालन करने का विकल्प है, वो पाप के उदय का परिणाम है। और हे ज्ञान दीपक, मैं ज्ञायक देव हूं, ये पुकार जो तुम्हारे कान में पड़ी ये महापुण्य का उदय है, कि तीर्थंकर परमात्मा की पुकार तुम्हारे कान में पहुंची। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम निराश मत होना। अभी तुम 28 मूलगुण का पालन नहीं करते तो निराश मत होना। अभी तुम्हारे कान में ये ज्ञायक देव की पुकार पड़ी है, ये ज्ञायक देव की पुकार को तुम प्रयोग में लेना। तुम ऐसे प्रयोग में लेना भगवान, बस प्रति समय ये जागृति। कहना बहुत है, जब भाव आता है भगवान, इतना इतना तुमसे कहने का भाव आता है, मगर वो कीचड़ दिखता है, इसलिए कीचड़ से मुक्त होकर गुफा में जाता हूं। इसलिए कीचड़ से मुक्त होकर के शिखर की ओर जाता हूं। इसलिए कीचड़ से मुक्त होकर के नदी के तट पर रहता हूं। फिर भी कभी कभी ये भाव आता है, और जब भी मैं कहूं गुफा, पर्वत का शिखर, नदी का तट, तुम अंतर की चैतन्य की चैतन्य की चैतन्य की ही दृष्टि समझना, चैतन्य गुफा समझना, चैतन्य शिखर समझना, और विकल्पों के प्रवाह में नहीं बहता हुआ किनारे पर रहा ध्रुव ज्ञायक समझना। यह ध्रुव ज्ञायक देव में निंद आए तो आ जाए,
आज की रात सोना नहीं है, आज की रात भले लेट जाए, भले आंख बंद हो या खुली हो, यही कि जो निराकुलता रूप शांति पर्याय में व्यक्त होती है, अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो पर्याय में उछलता है, उसमें जो नहीं उछलती ऐसी जो ध्रुव सत्ता है, ये सत्ता मैं हूं, ये अव्यक्त सत्ता मैं हूं, ऐसा विचार करे, ज्ञान की ध्रुवता का विचार करे और उदय पर छोड़े। नींद जब आनी होगी तब आएगी, सुबह जब तुम उठो फिर तुम देखना क्या होता है, फिर वह धारा जो सुबह चले, इसके प्रयोग में तुम्हारे लिए कुछ बताना चाहता था मगर समय न रहा, भावना बाता हूं, कभी अवसर मिला तो अब मैं तुम्हें उन प्रयोगों के बारे में कहूंगा जो प्रयोग देह की मुख्यता से न होंगे, जो प्रयोग विकल्पों पर जोर देकर न होंगे, जो प्रयोग ध्रुव 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 ज्ञायक देव के जोर से, ये ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं, ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं, ध्रुव ज्ञायक देव। ओ oh.